हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में कि कब तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और इसको शुरू होने में कितना समय लग सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं जिसके वजह से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू नहीं हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि कुशीनगर में निराधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कार्य तेज़ी से चल रहा है और राजनीतिक पेंशन अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वर्ग विभाग के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं निर्माण कंपनी को यह हिदायत दी कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द एयरपोर्ट को शुरू कर दिया जाए। अब हम आपको दोस्तों बताते हैं कि उन्होंने बताया कि कब तक यह एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक यह एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। मंत्री का स्टेट प्लेन शाम 4:18 पर उतरा और 1:08 बिताने के बाद 5:26 पर गोरखपुर के लिए रवाना हो गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यहाँ पर आकर लोगों को जागरूक किया और साथ यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी यह हिदायत दी कि जितना जल्द हो सके कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को शुरू किया जाए और गोरखपुर उसके बाद से रवाना हो गए। हम आपको बता दें कि वो अपने फ्लाइट से आए थे जो कि यहीं पर लैंड हुआ था। अधूरे कार्यों में तेजी पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि नए वर्ष में इस एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं तो मुख्यमंत्री 20 करोड़ जनता की उन्नति के लिए नियंत्रण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद देश में कोने कोने व विभिन्न देशों के लिए सैलानी आते रहेंगे। आगे कहा कि प्रदेश के जेवर में बन रहा एयरपोर्ट विश्व के 100 बड़े प्रोजेक्टों में से एक है। यह एशिया का 7वां बड़ा एयरपोर्ट होगा और उड्डयन मंत्री ने डीएम भूपेंद्र एस चौधरी को चल रहे विकास कार्यों का प्रतिनिधि निगरानी देने का रिपोर्ट प्रेषित किया। मंत्री के साथ आए विशेष सचिव उड्डयन सुरेंद्र सिंह, कार्यदायी संस्था राइट के अधिकारी विमल कुमार से चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेने को कहा। एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी एम द्विवेदी, सीडीओ आनंद कुमार, एसएसपी एसपी सिंह, एसडीएम देश दीपक सिंह, सीओ नितेश प्रताप सिंह, अनुज कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह, महेंद्र चतुर्वेदी, विजय सिंह और हरिशंकर आदि उपलब्ध रहे। इसके लिए हम आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर यहाँ के सांसद विजय दुबे और यहाँ के डीएम भूपेंद्र एस चौधरी भी मौजूद रहे जो कि यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत किया। तो दोस्तों, कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।